बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट 313 के साथ हम आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। आज हम पहुंचे हैं पाक पतन के एक नवाही गांव चक बबलाना में। तो यहां हम दरख्तों के फ़वाद के हवाले से कुछ बात करेंगे कुछ दोस्तों से। तो आइए हम जानते हैं कि दरख्तों के क्या फ़वाद हैं। हाँ जी, दरख्तों के फ़वाद आपने बताने हैं कि कौन से दरख्त जो हैं वो किस तरह का फ़ायदा हमें देते हैं। दरख्त छां का फायदा देते हैं, फलां का फायदा देते हैं, हर चीज़ का हर तरह का फायदा देते हैं। कौन से दरख्त हमें लगाने चाहिए? दरख्त लगाने चाहिए अनार, किन्नू, सेब। सेब तो नहीं होता अपने मने, टाली, तूत, ये वो सारे वगैरह वगैरह। सबसे ज़्यादा जो छाँव है वो तो लोकल दरख्त जो है, जैसे नीम का दरख्त होता है, इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। और हमें ऑक्सीजन के साथ साथ हमें लकड़ी भी चाहिए होती है। लकड़ी भी चाहिए हमें। इसके अलावा फर्नीचर का हम काम इससे ले सकते हैं, इसकी लकड़ी से। और इस तरह जो है इंसानों के साथ साथ वो जानवर जो हैं वो भी इससे जानवर भी उन्होंने तो बन सकता है, सारा फायदा होता है। दरख्तों का आपके जिम्मेदार हैं आप? हाँ, जिम्मेदार। अच्छा, तो आपकी ज़मीनों में वहाँ पर भी दरख्त लगे हुए हैं? दरख्त लगे हुए हैं। कौन कौन से दरख्त लगे हुए हैं? टाली कर लगा है। सही। तो अभी ये अनार के पौधे हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं। हाँ जी, तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे फल लेंगे। ओके, सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया।